गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल सही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और टिफ़िन में आज जा रहा है पाकी का फेवरेट पैनकेक। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि आज पाकी को लेके जाने थे स्कूल के मॉडल्स जो समर वेकेशन में दिए थे। और वो मॉडल इतने बड़े होते हैं ना, स्कूल बस में तो लेके जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज बैग का भी इतना वेट होता है। और आज ऊपर से पाकी का था जीके का एग्ज़ाम, तो ये उसी की थोड़ी बहुत रिविज़न कर रही थी कार में। और आज मॉर्निंग में लग गई थी पापा की ड्यूटी इसको छोड़ के आने की, तो बस अब वही हम फटाफट से जा रहे थे कि लेट ना हो जाए। और स्कूल हम टाइम पे पहुंच गए थे। और देखिए अभी मैं आपको मॉडल्स दिखाती हूँ, तो ये बस में ले जाना तो इम्पॉसिबल है, बट हाँ जो हेल्पर्स होते हैं ना वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं। क्लासरूम तक आराम से उन्होंने मॉडल पहुंचा दिए थे सेफली। उसके बाद हम हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आ गए थे पार्क में। और बादल थे बट ह्यूमिडिटी बहुत थी, बट ये पार्क ना बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीन है, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे वॉक करके। तो बस हमने सोचा चलो वॉक कर लेते हैं। और अभी ये जो टाइम है ये आप क्लिप देख रहे हो इवनिंग की, और 5-6 बजे होंगे। और इसको इतनी भूख लग रही थी और ये मुझे ना बस अपना टमी दिखा रही थी, देखो देखो मैं कितनी पतली हो गई। तो मैंने चढ़ा रखी थी यहाँ पे कढ़ी डिनर के लिए और साथ में बॉयल राइस। आपको तो मैंने पहले भी बताया कि हम बॉयल राइस ही खाना प्रेफर करते हैं। और इसके बाद मैंने लगा दिया था फटाफट से कढ़ी में छौंक। और उसके लिए ना मैं लहसुन ज़रूर यूज़ करती हूँ। आप एक बार लहसुन यूज़ करके देखना, अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन को आप चॉप मत करो, आप ना उसे जस्ट क्रश करके कूट के यूज़ करो, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। और ये देखिए पूरे अच्छे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। और फटाफट से मैंने लगा दिया था छौंक और जल्दी से इसे ढक दिया था कि कल की तरह कोई हादसा ना हो जाए। और कढ़ी बन के हो गई थी एकदम रेडी, और बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी सीरियसली। बट ये मैडम पाखी के तो अलग ही कुछ ड्रामे चल रहे थे, इसको लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख टेस्टी वाली खाने की। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से इसके लिए मैं कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ, बट थोड़े से होते हैं ना चॉकलेट वाले टेस्ट के साथ, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे मैंने 2 चॉकलेट ली थी डेयरी मिल्क की, आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हो। और दोनों को मैंने अच्छे से ना पीलर जो होता है ना, जिसे हम आलू वगैरह पील करते हैं छीलते हैं, उससे मैंने इसे कर लिया था पील। आप चाहो तो छोटे छोटे चॉप भी कर सकते हो, ये ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। एक्चुअली आपने देखा होगा जैसे चोको चिप्स होते हैं ना, वो अगर घर में नहीं हो तो आप इसको पील कर सकते हो, छोटा छोटा बहुत ही फाइन बारीक चॉप कर सकते हो। तो उससे होता क्या है, जब हम कोई भी कोल्ड कॉफ़ी या ऐसा कुछ भी कुछ ठंडा अच्छा सा शेक पीते हैं ना, तो जब वो उसका आता है ना मुंह में फ्लेवर, बहुत अच्छा लगता है वो। तो बस मैं उसी की अभी तैयारी कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे गाइज मैंने ले लिए थे वही जो मैंने आपको सैशे दिखाए थे। इस बार मैं यूज़ कर रही हूँ इसका बटर स्कॉच फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस वाले बटर स्कॉच कोल्ड कॉफ़ी का भी। तो जल्दी से मैंने सारे सैशे फटाफट से, मैंने 4 सैशे लिए थे बिकॉज मैं 4 लोगों के हिसाब से ही कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी। और यहाँ पे मैंने लिया है कोको पाउडर, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैंने ये जो हर्शीज़ का होता है ना, इस बार मैंने वो मंगवाया था। वैसे तो नॉर्मली मैं कैडबरी का यूज़ करती हूँ, तो बस यहाँ पे वही मैं 1 स्पून डाल रही थी। अगर आपके बच्चे को बहुत चॉकलेटी खाना पसंद है तो आप 2 स्पून भी डाल सकते हो। हाँ थोड़ी रेशो आपके अकॉर्डिंग, आपके फ्लेवर के हिसाब से आप उसकी रख सकते हो। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। और बस थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था हर्शलीज सिरप, ये तो बच्चों का फेवरेट होता ही है, बच्चों के यहाँ सबका ही फेवरेट है। इसको ऐड करके थोड़ा सा आप इसमें दूध ऐड कर दीजिए, रूम टेम्परेचर वाला आप इसमें दूध डालेंगे तो बेटर रहेगा। उससे क्या होता है शुगर या जो भी इसमें आपने सामान डाला है वो अच्छे से ना इसमें मिक्स हो जाता है। और बस फटाफट से इसे मिक्सी में मैंने घुमा दिया था। और उसके बाद ये देखिए, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना चॉकलेटी बना था, जस्ट इतना यम्मी था ना ये।
कि बच्चों को क्या, ये तो बड़े भी बहुत आराम से इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था मिल्क, जितनी आपकी क्वांटिटी है आप उस हिसाब से मिल्क ऐड करिए। इस टाइम पे ना आप ठंडा दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे क्या होता है इसमें आइस क्यूब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए, ये जो इसके ऊपर आप झाग देख रहे हैं, आपने मार्केट में देखा होगा ये जो कोल्ड कॉफ़ी मिलती है ना, जैसे बीटन कॉफ़ी बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था, उस तरह का इस पर झाग आया है। तो इसके बाद मैंने पाखी का ग्लास कर लिया था रेडी, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने उसको ना चॉकलेट सिरप लगा के कर दिया था थोड़ा सा डेकोरेट, और पाखी ने बहुत इन्जॉय किया था। सीरियसली ये तो ऐसा लग रहा था जैसे मार्केट की होती है ना एकदम चिल्ड वाली मज़ेदार कोल्ड कॉफ़ी वैसे। और ये देखिए, इसके बाद ये जितने भी मैंने चॉकलेट को अच्छे से चॉप करके या पील करके रखा था वो मैंने इसमें ऐड करा था। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है और अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है एकदम झटपट बनाना है, तो आप इस तरह से इसमें चॉकलेट ऐड करना सीरियसली। और पाखी तो देख के इतनी एक्साइटेड हो गई थी, उसको कड़ी चावल नहीं खाने दे। आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए, ये बज रहे हैं रात के 11:30, और ये इस मैडम को गेम खेलने की लगी है, बिकॉज़ नेक्स्ट डे था सैटरडे और सैटरडे संडे पाखी के स्कूल में होती है छुट्टी। और ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये आज की ही मॉर्निंग की है, सैटरडे का दिन था, पाखी का ऑफ था, तो मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा यमी सा बना दें। और बिकॉज मोस्टली तो आपने देखा ही होगा मैं इसको प्रॉपर मील ही देती हूँ, और मैंने यहाँ पे रेडी करने लग गई थी मैं बर्गर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, और इस पर मैंने लगा दी थी मेयोनीज़। वो जो आप टिक्की देख रहे थे वो थी मैक आलू टिक्की। आप और ये पाखी ना बीच में पता नहीं क्या करती रहती है। आप चाहो तो आप आलू बॉईल करके घर में भी टिक्की बना सकते हो, बट मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था और मेरे पास ना ये रखा भी हुआ था, तो मैंने फटाफट से टिक्की फ्राई कर ली थी। उसके बाद टिक्की को ना इस तरह से मैं मतलब हाथ से ना दबा देती हूँ, उससे क्या होता है ये अच्छे से बन जाती है, और जितना भी मैं इसमें ऊपर से मेयोनीज़ लगा देती हूँ या चीज़ लगा देती हूँ ना, वो अच्छे से टिक्की के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे पाकी ने अपने लिए भी एक छोटू सा बर्गर रेडी किया था। इसको ना बहुत शौक है, जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ ना, ऐसी छोटी मोटी एक्सपेरिमेंट करने का। और फटाफट से मेरे पास चीज़ जो था एक्चुअली वो थे 2 ही स्लाइस, इसलिए मैंने चीज़ को ना छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया था और फटाफट से बर्गर पे लगा दिया था। अच्छा, आपने देखा होगा जो मॉल में बर्गर मिलते हैं वो सिके हुए नहीं होते है ना, ऐसे ही लगता है कि कच्चे से लगते हैं, तो मुझे थोड़ा लगता है डाइजेशन में वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं तो जब भी घर पे सैंडविचेस या बर्गर कुछ भी ऐसा बनाती हूँ, मैं हमेशा उसे दोनों साइड से सेक लेती हूँ। पैन में थोड़ा सा बस बटर लगाइए, दोनों तरफ से बर्गर सेक लीजिए। इससे क्या होता है, स्पेशली बच्चों को या बड़ों को कोई भी खा रहा हो तो ना डाइजेशन की ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं कच्चा इस तरह से बर्गर या ब्रेड खाना तो मोस्टली अवॉइड ही करती हूँ। और इसके बाद मैंने बना ली थी अपनी फेवरेट चाय। दिन की एक कप चाय तो मुझे ज़रूर चाहिए होती ही है। और मैंने यहाँ ली थी चाय और पाखी ने इंजॉय करा था मैंगो जूस।
और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।